हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फॉरेस्ट भंडार चैनल के अंदर। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक जादुई पौधा, जिसको आप शायद नहीं जानते होंगे किस तरह का पौधा है ये। ये आप पौधा देख रहे हो, इसे शायद आप नहीं जानते होंगे किस तरह का पौधा है ये। और ये देख सकते हो किस तरह के फूल लगे हैं, स्टार जैसे फूल लगे हैं, बिल्कुल स्टार की तरह सफ़ेद फूल लगे हैं, स्टार बिल्कुल स्टार की तरह लगे हैं। और ये देख सकते हो कितने सुंदर लग रहे हैं। चलिए बात करते हैं इनके बारे में। इनसे जो है परिजात का पौधा बोलते हैं इसको, और इनको दो नामों से जाना जाता है, परिजात का पौधा और हरी सिंगार के नाम से भी जाना जाता है इनको। इस पौधे के दो नाम हैं, हरी सिंगार और परिजात का पौधा बोलते हैं इसको। चलिए बात करते हैं इसके बारे में, बिना देर किए ले चलते हैं हम आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं इससे। ये देख सकते हो सुंदर कितने लग रहे हैं, और ये देख सकते हो दोस्तों कितने सुंदर फूल लग रहे हैं। शायद आप इनके बारे में फ़ायदे जानकर चौंक जाएंगे। इस पौधे के इतने सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, शायद आप चौंक जाएंगे। आपको पता नहीं है इस पौधे का नाम भी आपको पता नहीं था, या हमने वीडियो में बता दिया आपको। चलिए बात करते हैं इसके जो है फ़ायदे क्या क्या होते हैं, परिजात के पौधे के और फूल के पत्तियों के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पेड़ जड़ से लेकर ऊपर फूल तक इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। फूल के भी फायदे हैं, पत्ती के भी फ़ायदे हैं इसके, और जो है इसके छाल के भी फायदे होते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं फ़ायदे क्या क्या होते हैं। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए, घंटी को ऑल पर करें। चलिए बिना देर किए आपको फ़ायदे बताते हैं। दोस्तों पहला फ़ायदा यह है कि धार्मिक स्थलों पर भी लगा सकते हो, परिजात का पौधा कहीं भी लगा सकते हो। अच्छी जगह जो है अच्छे फूल लगते हैं, खुशबूदार फूल हैं। मंदिर वगैरह में आप इसके फूल चढ़ा सकते हो, काफ़ी सुंदर फूल है। ये देख सकते हो कितना जो है सुंदर फूल लग रहा है। और ये देख सकते हो दूसरा फ़ायदा, जिस व्यक्ति को भूख न लग रही हो तो उसको भूख बढ़ाने में भी इसकी पत्ती जो काम करती है। इसकी दो पत्ती आप सुबह शाम खा लो तो आपकी भूख को बढ़ाने में काम करेगा ये पत्ती। और पत्ती भी बहुत बढ़िया काम करती है इसकी। ये देख सकते हो कितनी सुंदर पत्ती लग रही है। आप दो पत्ती इसकी सुबह शाम खा सकते हो तो आपकी जो है भूख बढ़ाने में सहायक होगा। और भी जो है इसके सहायक हैं। तीसरा फ़ायदा यह है कि इसमें जो किसी व्यक्ति को खांसी नज़ला जुकाम हो रही हो तो उसमें भी इसके पत्ते का यूज कर सकते हो। काफ़ी सुंदर, ये देख सकते हो काफ़ी सुंदर दवाई है, आप घर में लगा देते हो। ये देख सकते हो जो है घर में लगाया, और सेफ्टी कितनी है ये देख सकते हो, पौधे की सेफ्टी में जो है पौधे की सेफ्टी कितनी कर रखी है उन्होंने। जाली के अंदर जो है क्यारी को बनाकर इसमें जो है पौधे लगा रखे हैं, तरह तरह के पौधे लग रहे हैं। ये देख सकते हो कितना सुंदर जो है क्यारी बना रखी है इन्होंने, इधर भी लगा रखे हैं। इधर अभी फूल जो है आने शुरू हुए हैं, और इसके भी बहुत से फ़ायदे हैं। चौथा फ़ायदा यह है कि आप इसकी रात को महक अच्छी आती है इसकी। आप इस बोर हो रहे हो तो इसके जो है महक लेकर आपको सुस्तीपन जो है बढ़िया कर सकता है, अच्छा सुस्तीपन दूर कर सकता है ये। इसकी महक आप जब लोगे तो इसकी सुस्तीपन आपको दूर कर देगा। आलकस, पांचवा फ़ायदा यह है कि आलकस हो रहा हो, आदमी को आलकस बहुत ज़्यादा आता है तो इसका जो है महक ले सकता है, पत्ते खा सकता है, इसको जो है आलकस भी दूर करता है। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर जगह जो है लगा रखे है इन्होंने, चारों ओर जाली लगा के कितनी सेफ्टी कर रखी है। सेफ्टी रखनी चाहिए किसी भी पौधे की, आप लगाओगे तो सेफ्टी ज़रूर करनी चाहिए ताकि बकरी वगैरह ना खाए,
गमले में भी लगाओ तो अच्छे से लगाओ, सेफ्टी के साथ लगाओ, सेफ्टी ज़रूरी है अपनी और पौधों की भी। और दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलता है अगली वीडियो में।